चहला नहाए खाए से सब स्टार्ट होती है छठ, और फिर खरना होती है, फिर सूर्य देव का शाम वाला अर्घ होता है, फिर सुबह वाला अर्घ होता है। कितने कब से छठ कर रहे हैं आप? 5 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंगेर। देवघर में अपना आवास है लगता है आपका? और पहला नहाए खाए से सब स्टार्ट होती है छठ, और फिर खरना होती है, फिर सूर्य देव का शाम वाला अर्घ होता है, फिर सुबह वाला अर्घ होता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं, कैसा लगता है, क्या क्या मन्नतें पूरी हुई है अब तक? 4 साल से कर रहे हैं, अभी तक तो जो मांगे सारा चीज पूरा हुआ। पानी में खड़े होते हैं, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? थोड़ा सा लगता है, पर पार लग जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन सिंह। क्या लोगों को कहना चाहेंगे जो छठ नहीं कर पा रहे हैं? सभी को करना चाहिए जो कर सकते हैं। अभी मंगल तालाब में हम हैं, और यहाँ पे एक मैडम है यहाँ पे जो डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, और उनकी मम्मी यहाँ पे छठ कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? आज यहाँ पे आपकी मम्मी छठ कर रही हैं, क्या आपकी क्या लक्ष्य आगे बनने की? आगे डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करना है। ये तो अपने लिए हुआ, देश के समाज के लिए पूरे क्या आप कामना किए छठी मैया से? छठी मैया से यही कामना है कि कोरोना जैसी महामारी से सबको जल्दी छुटकारा मिल जाए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी भीड़ है, और कोई भी कोरोना अभी खत्म हुई नहीं है। इस भीड़ में अगर एक भी लोग संक्रमण पाया गया तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ऐसे तो हम भी भूल गए हैं कि मास्क लगाना के लिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी एक आदमी मास्क नहीं लगाया है, तो ये बहुत ही मतलब अपना सावधानी लोग नहीं देख रहे हैं, पर मतलब कि स्टाइल झाड़ने में अपना ही नहीं देख रहे हैं लोग। ये चीज लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी लोग को हो गया तो सबको हो जाएगा कोरोना। क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के लिए यहाँ से? सब लोग हंसिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बस। कर्मचारी हैं यहाँ पे, उनको जानते हैं नगर निगम की ओर
से छठ घाटों में क्या क्या व्यवस्थाएं। रमेश जी ये बताएं कि अभी नगर निगम का कर्मचारी आप हैं, नगर निगम की ओर से छठ में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। मंगल तालाब नंदन पहाड़ के पास यहाँ पे मौसमी जी जो कि आई हुई हैं और कॉर्निक से भी जुड़ी हुई हैं, कई संस्था जुड़ी हुई हैं, सामाजिक काम करते हैं। मौसमी जी ये बताएं, आज छठ यहाँ पे आप आए हुए हैं, खुद से करते हैं या अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं? हम यहाँ पे अपने मित्रों के साथ आए हैं और भी करते हैं, अपने उनके साथ आए हैं। मंगल नंदन पहाड़ के पास ये ऊपर है और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु जो है लोग छठ पूजा कर रहे हैं। चार दिन का ये त्यौहार होता है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत श्रद्धा और बहुत ही पावन पर्व है ये छठ माँ। हम लोग का भारत झारखंड और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोग हर साल इस तरह से घाट पे आते हैं और छठ अर्घ्य देते हैं और पूजा को। आज क्या कामना किए हैं छठ माँ से आप? बस यही कामना किए हैं कि कोविड जिस तरह से हम लोग का फैल रहा है, जिस तरह से आदमी इसका पालन करके कर रहा है, छठ माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोविड जल्द से जल्द पूरे विश्व से हट जाए और फिर से बहुत ही धूमधाम से सारे त्यौहार मनाया जाए, यही कामना है। मंगल तालाब में आप आए हुए हैं, आज यहाँ से लोगों के लिए, पूरे देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबका धूमधाम मनाते रहें, आए सब मंगल कामना सब के लिए मंगना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भक्ति लोग आई हुई है, सबका मंगल हो। देश के लिए आपने क्या कामना किया छठी मैया से? छठी मैया कामना है कि मेरे घर परिवार सारे सब कुशल मंगल रहे, हमारे पितर साहब यहाँ चाचा जी हैं, ये वार्ड पार्षद भी हैं और इनके कृपा से सारा कुछ हो रहा है, ये सब कुछ देख रहे हैं, देख रेख में इनका हो रहा है और हम चाहते भी हैं कि आगे भी इन्हीं का सब कुछ सपोर्ट रख करें। और हम चाहते भी हैं कि चाचा जी हैं, पितर माता, तो इनका सपोर्ट सारा बना हुआ रहे और इनके नहीं रहा देख ही रहे, सारा कुछ सजा हुआ है घाट। और हम चाहते भी हैं कि आप अगले बार भी चला जी इससे ज़्यादा धूमधाम से किया जाएगा। मतलब सही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बरमसिया के रहने वाले हैं। मैं आप यहाँ पे शामिल हैं और आपकी मम्मी जी यहाँ पे कर रही हैं, आज यहाँ का लोगों से, देश के लिए, पूरे अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए क्या कामना की है छठ माँ से? जब का कल्याण हमारा परिवार का कल्याण छठ माँ से। छठ माँ से मांगते हैं कि जो कोरोना आया था वो चल जाए, हम लोग को शांति मिले, बहुत हम लोग कष्ट में रहे, बाल बच्चा बहुत कष्ट में रहे। ये कोरोना मासे प्रणाम करते भगवान है, जो है बीमारी है सब चल जाए, हम लोग अच्छा से रहे। जानते हैं कि छठ यहाँ पे आए, किस तरह व्यवस्थाएं लगी लोगों को, पूरे देश के लिए, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से क्या मैसेज? राकेश जी आपका स्वागत है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शिव दर्शन जो देवघर का एक लोकप्रिय चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नंदन पहाड़ के इस मंगल तालाब में जिस प्रकार की समाज सेवी और निवर्तमान वार्ड पार्षद आदरणीय हमारे पैतर माता जी की ओर से जो सुविधाएं दी गई थी वह बिल्कुल संतोषजनक सुविधाएं थी। अगर आशीर्वाद यदि इनका मिला तो निसंदेह अगले वर्ष भी अच्छी सुविधाएं रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से देवघर के 7.5 लाख भारतीय सनातन धर्म के सबसे महापर्व छठ का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
आज ये छठ का अंतिम दिन पर जो जनसैलाब उभरा और जो देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था और विश्वास के प्रति लोगों का जो प्यार उमड़ा और जो जनसैलाब उमड़ा, आने वाले समय में निश्चित रूप से आयोजन समिति को एक बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी और लोगों में काफ़ी उत्साह उमंग। और लोगों के बीच मैं यही कहना चाहूँगा छठी मैया से कि आपके जीवन में खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहे और हर दिन आने वाला आपका मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवघर में जो छठ का उत्साह लोगों के बीच जो देखा गया, तो आने वाले समय में मैं जिला प्रशासन देवघर और नगर निगम देवघर से भी मेरा निवेदन होगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से तालाबों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देवाधिदेव देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है जहाँ विभिन्न राज्यों से लोग आकर यहाँ बसते हैं और छठ हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है। तो इसकी जो भीड़, लोगों में उत्साह और दिन प्रतिदिन जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसे देखते हुए जिला प्रशासन देवघर नगर निगम को निश्चित रूप से अन्य तालाब को वैकल्पिक के रूप में चुनना पड़ेगा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बहुत पार मंगल तालाब में आप हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आप? यहाँ का पैतर माता जी अध्यक्ष है, बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई करके एक महीना से पहले तैयारी करते हैं और अपना तन मन धन से एकदम बहुत अच्छा से विधि व्यवस्था के साथ करते हैं। और आने वाले वर्तमान में हम लोग चाहते हैं कि इनको ही एक बार दोबारा वार्ड पार्षद बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मंगल तालाब में आप लोग मेंबर हैं और काफ़ी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, जो आम जन आ रहे हैं, आम जो यहाँ पे छठ व्रती हैं या भक्त हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं दर्शक बनके, उनको काफ़ी सुविधा आप लोग दे रहे हैं, क्या आज कहना चाहेंगे यहाँ से आप? मैं बाल माता वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ और हमारे पैतर माता जी घाट में दुर्गा पूजा के समाप्त होने के बाद से ही कार्यरत में लग जाते हैं और साफ सफाई में लग जाते हैं और धूमधाम से पूजा करवाते हैं। सभी तरह की सुविधा दी जाती है, लाइट वगैरह का सजावट किया जाता है और दूध धूप अगरबत्ती हर तरह का निःशुल्क प्रदान किया जाता है और यहाँ काफ़ी लोग छठ व्रती सब आते हैं और धूमधाम से पूजा करवाते हैं। आज नहीं बना हुआ है तो मैं आग्रह करूँगा कि घाट बनाया जाए और ताकि यहाँ की भीड़ को नियंत्रित किया जाए। बेहतर यह बताएं कि आज छठ लगभग 4 दिनों से चल रही थी पर्व, कल पहला अर्घ था, आज लास्ट अर्घ है, उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं यहाँ पे जितने भी छठव्रती आए हुए थे और भी काफ़ी मैं देखता हूँ यहाँ पे भीड़ सुबह से ही लगी हुई थी। किस तरह नियंत्रण कर पाते हैं यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है तो आप पूरा यहाँ पे आपकी गाइडलाइन में यहाँ पे छठ होता है। और सबसे बड़ा है कि घाटों का निर्माण दो तरफ अभी नहीं हुई है, दो तरफ हुई है, क्या आज कहना चाहेंगे यहाँ पे? मैं बारवासिया नंदन फॉल मंगल तालाब का अध्यक्ष पैतरमा था और यहाँ जितना छठ व्रतों लोग आते हैं यहाँ सभी को जगह स्थान देते हैं, सभी छठ व्रतों को जगह उपलब्ध यहाँ पे होता है। घाटों की नंबर मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी। ये तो बरमसिया नंदन पहाड़ मंगल तालाब नाम है और यहाँ का अध्यक्ष पैतरमा था। दुर्गा पूजा जैसे विसर्जन होते हैं, समाप्त होते हैं और यहाँ 15 से 20 दिन जो है हम यहाँ लग जाते हैं घाट साफ सफाई करवाने में, लाइट पंडाल जो है करने में और सभी छठ व्रतों को घाट जो है दिए जाते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे जान रहा हूँ कि दूध धूमना गोईठा घी अगरबत्ती जो भी लगता है फैतर जी, वो सारे आप व्यवस्थाएं करती है। आने वाले समय में यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और घाटों का निर्माण कब तक संभव है कि हो पाएगा? देखिए यहाँ जितना छठ व्रतों आते हैं और छठ भक्तों सब आते हैं, सभी को निःशुल्क में दूध गोठा दिया अगरबत्ती निःशुल्क में देते हैं और बहुत सा यहाँ मंगल तालाब में
जगह का कमी है, बल्कि जगह है, बल्कि जगह यहाँ हम लोग को उस चारों साइड में हमारा मंगल तलाव घाट बनना चाहिए देवघर नगर निगम सीओ की ओर से। और मांगते हैं कि इस बार जो है हमको घाट से जल्द बना दें, जो सारे छठ व्रतियों को किसी तरह दिक्कत नहीं होवे। सब छठ व्रत जो है मंगल तलाव में आते हैं, घूम के चले जाते हैं कहीं दूसरे। बेहतर जी क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए? आप छठ व्रतियों सभी से आग्रह है कि यहाँ छठ मैया जितना जो है छठ व्रतियों आते हैं मनाते हैं भोले बाबा से और छठ मैया से। अभी कोरोना चल ही रहा है मास पेतर जी, अभी क्या छठ माँ से आप कामना की? यही कामना देते हैं भोले नाथ बाबा नगरी से और यहाँ मंगल तलाव छठ व्रतों के लिए जो छठ होता है यहाँ पर जो जल्द से जल्द जो कोरोना जो है ये महामारी उठे हुए हैं, इस छठ मैया भोलेनाथ के द्वारा ये महामारी जो है ख़त्म हो जाए और सभी छठ व्रतों को यहाँ का जो है आशीर्वाद है कि सभी को शुभकामना देते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी कामना मांगते हैं कि भोलेनाथ के द्वारा छठ मैया के द्वारा जो महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और यहाँ का जितना जो महामारी छठी मैया से मनाते हैं कि महामारी ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और मैं कामना देता हूँ कि यहाँ कामना करते हूँ कि छठ माँ से जल्द महामारी ख़त्म हो जाए और मनाते हैं कि रोजी रोजगार, अगर ये महामारी ख़त्म हो जाते हैं रोजी रोजगार बहुत गरीब लोग हैं जो अच्छा से अच्छा अपना धंधा करे और कमावे सुखी संबंध में रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छठ मैया।